हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुचि ब्लॉग एंड टिप्स एंड कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज ज्ञानू भी सुबह सुबह उठ गया है और मैं थोड़ा सा पानी लेके गई थी तो उसको वो पीने लग गया और फिर वहाँ पे उसने भी अपना थोड़ा सा टहला और थोड़ा सा मैंने भी अपनी एक्सरसाइज जो भी मेरा रूटीन होता है वो मैंने किया। हालाँकि इस टाइम पर मेरा वेट गेन हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा त्यौहार थे और फिर मैं मायके चली गई तो इस टाइम पे मेरा काफ़ी ज़्यादा वेट गेन हुआ है। अभी मैंने वेट नहीं किया है तो इसलिए मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि कितना वेट गेन हुआ है, और तो देखते हैं अभी जब वेट करूँगी तब आप लोगों को बताऊँगी एग्जैक्ट कि कितना हुआ है। लेकिन 4-5 किलो तो मुझे ही लग रहा है कि हो चुका है। तो फिर उसके बाद थोड़ी सी अपनी एक्सरसाइज किया और आजकल अपने खाने पीने के रूटीन में भी मैंने कम करना स्टार्ट कर दिया है चीज़ें, और साथ ही साथ मैं प्रॉपर से डाइटिंग पे आ गई हूँ और डेली की 45 से 40 मिनट की एक्सरसाइज भी मैंने बढ़ा दिया है। तो जो भी मेरा रूटीन होता है वो फटाफट से किया। उसके बाद ज्ञानू का स्कूल है तो सारा घर का भी काम करना है और नीचे आते ही स्नान ध्यान वगैरह सारी चीज़ें किया। फिट होंगे तो इनकी ये कापी किताब आ चुकी हैं सारी, और अभी एडमिशन हो गया है तो जाना ज्ञानू का स्टार्ट हो गया है। और इसी के साथ मेरा अपना रूटीन भी स्टार्ट हो चुका है क्योंकि इस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था, करीब 4.5 किलो के आसपास, तो इसी 20-25 दिन के अराउंड। और हुआ ये कि मैं घर चली गई और जब मैं घर गई तो घर में जब भी मैं जाती हूँ तो मेरा वेट गेन हो ही जाता है, और वो वेट गेन होता है थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा ये खा लो, अच्छा खाना खा चुकी हो तभी चलो थोड़ा सा सबके साथ बैठ के खा लो, तो इसके चलते मेरा वेट गेन होता ही होता है। लेकिन अब की तो सारी लिमिट क्रॉस हो चुकी हैं क्योंकि अब की मैंने 4 किलो के आसपास वेट गेन किया है और अभी मेरा हो गया है 61 kg। तो अब जो इतना खाया पिया है तो उसको घटाना भी तो पड़ेगा, वरना अगर एक बार वेट बढ़ गया तो फिर घटाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। स्पेशली मेरे लिए क्या होता है कि मुझे वेट गेन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं हफ्ते भर में 2-3 किलो वेट गेन कर सकती हूँ, लेकिन वेट लॉस करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि मैं फूडी हूँ और मैं खाने पर कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। हालाँकि मैं ऑयली चीज़ें नहीं खाती हूँ, मैदे की चीज़ें नहीं खाती हूँ, मीठा भी कम से कम खाती हूँ, लेकिन मैं कुछ ना कुछ, मतलब मेरी आदत है कि मैं खाते रहती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, तो इसके चलते मुझे वेट लॉस करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी कैसे वेट लॉस कर रही हूँ ये आपको वीडियो में दिखाती हूँ, और चलो भाई चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज किचन में आते ही सबसे पहले जो मैंने किया वो था जीरा वाला पानी पीना, और जीरा मैंने रात में ही भिगो के रखा था, फिर उसको अच्छे से बॉईल कर लिया और बस उसी को पीने के लिए आ गई। तो बैठ के आराम से सिप सिप करते हुए पीना है, और वेट लॉस के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है जीरा वाला पानी, तो मैं यूज़ करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखाई देता है। और उसके बाद फिर ये चने की दाल से बनाए थे तो ये मैंने आज नाश्ते में ले लिया, वो भी बस इतना सा ही लिया, ज़्यादा नहीं लिया, और फिर फटाफट से इनको फिनिश किया। और उसके बाद गई नीचे तो नीचे आलू बॉईल करने को जो चढ़ा दिए थे वो हो गए थे, तो उसके बाद ये वाली आलू बॉईल की हुई सब्ज़ी बनाई, और फिर उसके बाद उसके लिए उसी कढ़ाई में पूड़ियाँ बना दी, और बाद में ये वाली कढ़ाई थी ना इसी में मैंने पूड़ी और सब्ज़ी बनाई थी ज्ञानू के टिफ़िन के लिए और खाने के लिए। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेथी दाना डाला और थोड़ा सा सरसों का तेल डाला, जब मेथी दाना बिल्कुल अच्छे से पक गए तो फिर उसमें थोड़ा सा डाल दिया, मतलब एक मीडियम साइज़ का प्याज और 2-3 हरी मिर्चें थी उनको डाल दिया, तो उसको पकने के लिए छोड़ दिया। जब वो थोड़ा सा पक गया तो फिर उसमें डाला मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट, क्योंकि आज खा सकते हैं हमारे यहाँ लहसुन और कल से नहीं खाया जाएगा क्योंकि नवरात्र स्टार्ट हो चुके हैं। तो फिर उसके बाद फटाफट से एक मीडियम साइज़ का टमाटर डाल दिया, और आज सब्ज़ी बनाने वाली हूँ कद्दू की, तो वैसे कद्दू की सब्ज़ी में टमाटर नहीं पड़ता है मेरे घर पे, लेकिन आज फिर भी मुझे कुछ लग रहा था कि थोड़ा सा चलो आज नया करते हैं, तो नए के चक्कर में मैंने डाल दिया। अब देखना ये होगा कि अच्छा लगेगा या नहीं अच्छा लगेगा सबको। और फिर इसमें जो बेसिक से मसाले होते हैं उनको मैंने घोल लिया था, जैसे कि गरम मसाला, हल्दी, धनिया और क्या और कुछ और था, पता नहीं क्या था, मैं भूल गई।
तो फिर उसके बाद मसाला पकने के लिए छोड़ दिया। और ये मसाला ना पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता, क्योंकि ये सूखा हुआ मसाला होता है, बहुत जल्दी पक जाता है। फिर धुलने इसमें मैंने जो कट करके रखे थे कद्दू, उनको डाल दिया। और बस अब इसको अच्छे से चला देना है। नमक मैंने पहले ही डाल दिया था, तो अगर मुझे बाद में लगेगा कि कम है तो फिर मैं डालूंगी। वैसे आजकल मैंने खाने में नमक भी काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है, तो ऐसा नहीं होता है कि मैं सिर्फ हेल्दी खाऊं बाकी सबको ना खिलाऊं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ें बनाऊं जो कि मैं भी खा सकूं और साथ ही साथ घर के लोग भी खा सकें उन चीज़ों को। क्योंकि अब मैं घर वालों को तेल मसाला ढेर सारा और खुद के लिए सिंपल सा खाना, तो तेल मसाले वाला टेस्टी तो होता है लेकिन वो हेल्दी नहीं होता है। और अगर आप घर पे बना हुआ तेल मसाले वाला भी खा रहे हो ना, तो बाहर के खाने से तो वो भी बेटर ही है। तो कोशिश करो कि घर का खाना खाओ और उसके बाद तेल मसाले वाला ना खाओ, क्योंकि मैं ये चीज़ें अपना रही हूँ। उसके बाद फिर पापा और निशा का बेटा, मतलब मेरा भांजा, टहलने के लिए चले गए, और ज्ञानू के पापा दोनों लोग खेल रहे थे। खुश रहो। तो ज्ञानू के जाने के बाद अभी हो गया था चाय का टाइम। और आजकल मैं कोशिश होती है कि मेरी मैं सुबह की चाय ब्लैक टी ले लूं, लेकिन आज मैंने ब्लैक टी नहीं ली थी, तो आज मैंने यही ले लिया। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए बेसन की रोटी बनाई थी, लेकिन पहले मैंने सोचा कि मैं खुद के लिए बनाती हूँ। फिर उसके बाद घर में सब लोगों ने बोला कि एक एक उनको भी चाहिए, तो मुझे ज़्यादा आटा सानना पड़ा। और बाद में मेरे लिए बची भी नहीं थी, मेरे लिए बस आधी बची थी, तो मैंने वो आधी खा ली। और एक उसके बाद गेहूं की रोटी खाई थी मैंने। अभी क्या खाया था वो अभी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। फिर कपड़े वगैरह जो धुल गए थे उनको लेके आई छत पे और फटाफट से उनको डाल दिया। और आजकल हवा भी काफ़ी तेज़ चलने लगी है, तो जिसके कारण ना कपड़े उड़ जाते हैं। और फिर मुझे दो तीन बार आके जो भी सूखे होते हैं उनको लेके जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप से ना कलर भी कपड़ों का डल हो जाता है, और साथ ही साथ हवा इतनी ज़्यादा होती है कि कपड़े बाहर जाने का डर रहता है। तो फटाफट से इनको कपड़े उपड़े वो किए, फिर सारा काम निपटाया। और उसके बाद ये था मेरा खाना, जिसमें कि मैंने सैलेड ले ली और दाल ले लिया, सब्ज़ी ले लिया, और ये आधी उसकी रोटी बेसन की और एक ले ली गेहूँ की रोटी। तो ये था आज का मेरा लंच। और उसके बाद अभी खाएंगे खाना बैठ के। और खाना मैं जब भी खाती हूँ कोशिश करती हूँ कि मैं ज़मीन पे बैठ के खाऊँ, मतलब कुछ बिछा उछा के ज़मीन पे बैठ के खाना मैं प्रेफर करती हूँ। क्योंकि दो रीज़न है, एक तो मैंने बचपन से ऐसे ही खाया है, और दूसरा फिर ये कि मुझे अच्छा लगता है, मतलब कंफर्टेबल लगता है मुझे बैठ के खाने में। चेयर वेयर में मुझे उतनी ज़्यादा मज़ा नहीं आती है, और ना मैं बहुत ही कम होता है कि मैं ऊपर बैठ के खाऊँ, मैं नीचे ही बैठ के खाती हूँ और मोस्टली अपने किचन में बैठ के खाती हूँ। खैर आज मैं बाहर खा रही हूँ, तो क्या तो कुछ नहीं, आराम से बैठ के फ़ोन टीवी इन सारी चीज़ों से दूर होके कोशिश करती हूँ कि 32 बार खूब अच्छे से चबा चबा के खाऊं। और खाने के टाइम पे मुझे कोई भी विघ्न नहीं चाहिए होता है, इसलिए मैं टीवी के पास भी नहीं जाती हूँ। और खाना खाने के बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए सो भी गई थी। फिर उसके बाद मैंने ये चिया सीड भिगो के रख दिए थे, और इनको मैंने 2-2.5 बजे के आसपास पिया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा फुलफिलिंग हो जाता है। और कोशिश होती है कि इसको पी लूँ, उसके बाद फिर आधा घंटे 1 घंटे कुछ ना खाऊँ पीऊँ, कम से कम 40 मिनट तक कुछ नहीं खाती पीती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और ये जो मैंने धागा पहना था ना स्टार्टिंग में, तो इसका एक रीज़न ये था कि वो मेरे देवर जी गए थे कहीं, वो वहाँ से ले आए और मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो भाई पहन लेते हैं, तो वो मैंने पहन लिया। और उसके बाद फिर चाय बनाई। चाय अपने लिए मैंने बिना चीनी की निकाल ली, ये वाला इसलिए इसमें मलाई पड़ गई थी, और दूसरी है ज्ञानू की, और बाकी सबकी चली गई सबके पास जहाँ जहाँ जा। अभी चाय बन चुकी है, और अपने लिए बिना चीनी की चाय और 2 बिस्किट लिए हैं मैंने, और ज्ञानू के लिए चीनी वाली चाय। तो अब बाकी बनाएगा क्या शाम में वो मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ। फरा बनेगा तो कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखाऊंगी।
बनेंगे फरा, और करीब 3:30 या 4 के आसपास से फरा बनना स्टार्ट हो गए थे। तो ये चावल के आटे से और दाल से बनाए जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और इसलिए ये मैंने चाय ले ली और इतना सा ले लिया फरा। फरा मैंने खाया था करीब 6:30 और 7 के बीच में खाए थे, एग्जैक्ट टाइम नहीं ध्यान है। तो इसलिए अब यही मेरा डिनर होगा, अब इसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाने पीने वाली हूँ। तो आजकल कोशिश करती हूँ कि फॉलो हो जाए, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। होगा या नहीं होगा आगे वो आपको पता चलेगा। वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय एंड टेक केयर।